हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉरनर्स प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। आई एम नीरज कुमार कैथल। टुडे इज 7th मार्च 2023। लेट्स बिगिन टुडेज एमसीक्यू सेशन फॉर अपकमिंग नर्सिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम्स। आर फर्स्ट क्वेश्चन इज इन लेप्रोस्कोपी प्रोसीजर्स गैसेस आर यूज्ड फॉर इन्फ्लेशन ऑफ द एब्डोमिनल वॉल। किसी क्लाइंट में जब लेप्रोस्कोपी द्वारा सर्जरी की जाती है तो एब्डोमिन एरिया को इन्फ्लेट करने के लिए, फुलाने के लिए कौन सी गैस इस्तेमाल करते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हीलियम? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। आइए जान लेते हैं कि लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर्स होते क्या हैं। लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर्स को आप साधारण भाषा के अंदर दूरबीन वाले ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। दूरबीन की सर्जरी या दूरबीन वाले ऑपरेशन इसे आप कह सकते हैं। इस प्रकार की सर्जरी को मोस्टली एब्डोमिन और पेल्विस एरिया के लिए किया जाता है। एब्डोमिन एरिया और पेल्विस एरिया की किसी प्रॉब्लम को थेरापूटिक या डायग्नोसिस पर्पस से सॉल्व करने में इस प्रकार की सर्जरी का इस्तेमाल किया जाता है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में बहुत ही छोटे इंसीजन्स लगाए जाते हैं और इन इंसीजन से कैमरा इंसर्ट करके सर्जरी परफॉर्म की जाती है। तो याद रखिएगा, लेप्रोस्कोपी वह सर्जरी है जिसमें बहुत ही कम कट लगाए जाते हैं और गैसेस द्वारा इसमें इन्फ्लेशन करके कैमरे की मदद से सर्जरी परफॉर्म की जाती है। अगर कट छोटा है तो रिकवरी टाइम भी कम होगा, क्लाइंट जल्दी से ठीक हो जाता है। आइए अब बात करते हैं कि इस प्रोसीजर के अंदर क्यों कार्बन डाइऑक्साइड को प्रिफर किया जाता है, क्यों इसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये कलरलेस होती है। इससे जब इन्फ्लेशन किया जाता है तो विजिबिलिटी किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं हो पाती। इसके अलावा ये इनएक्सपेंसिव है, यानी कि सस्ती गैस है। इससे कॉस्ट ऑफ सर्जरी कम हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस नॉन इनफ्लेमेबल है, यानी कि इसमें आग नहीं लगती, तो एक सेफ्टी पर्पस से भी इसका एडवांटेज रहता है। और हाई ब्लड सॉल्युबिलिटी देखने को मिलती है, यानी कि इस गैस को जब एब्डोमेन में फिल किया जाता है तो ये ब्लड के साथ सॉल्युबल हो जाती है, इजीली ब्लड में घुल सकती है। तो इसकी वजह से एम्बोलिज्म का खतरा, थक्का बनने का खतरा भी नहीं रहता। इन सभी फायदों के कारण हम लेप्रोस्कोपी प्रोसीजर्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रिफर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रॉनिक रीनल फेलियर कॉजेज ऑल एक्सेप्ट। इनमें से क्रॉनिक रीनल फेलियर कंडीशन होने पर कौन सी फाइंडिंग देखने को नहीं मिलेगी? एक्सेप्ट का ख्याल रखिएगा, हाइपरटेंशन, डिक्रीज क्रिएटिनिन लेवल, हाइपरकैलीमिया, हाइपोकैल्सीमिया। यस एग्जैक्टली, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। जब भी किसी क्लाइंट के अंदर किडनी फेलियर होता है, रीनल फेलियर होता है, तो उसके अंदर क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ता है, ना कि घटता है। तो याद रखिएगा, हाइपरटेंशन, क्रिएटिनिन का बढ़ना, हाइपरकैलीमिया और हाइपोकैल्सीमिया, ये सभी चीजें क्रॉनिक रीनल फेलियर कंडीशन में देखने को मिलती हैं। क्रॉनिक रीनल फेलियर वह कंडीशन है जिसमें धीरे धीरे किडनी फेलियर डेवलप होता है, और यही अगर एक्यूट रीनल फेलियर होता तो ये कंडीशन अचानक से डेवलप हो जाती है। सडन क्लाइंट को कोई इन्फेक्शन हुआ और तुरंत उसकी कुछ ही दिनों में किडनी खराब हो गई, तो ये चीज एक्यूट रीनल फेलियर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 12 लीड ईसीजी इज यूज्ड टू डायग्नोज। 12 लीड ईसीजी इनमें से किस कंडीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल की जाती है? ऑप्शन ए डिसरिदमियास एंड कंडक्शन एबनॉर्मेलिटीज, ऑप्शन बी चैम्बर एनलार्जमेंट एंड इंजरी, ऑप्शन सी मायोकार्डियल इस्कीमिया एंड कंडक्शन एबनॉर्मेलिटीज, ऑप्शन डी पल्मोनरी एडिमा एंड हार्ट फेलियर। इनमें से कौन कौन सी कंडीशंस जो हैं 12
लीड ईसीजी के द्वारा आइडेंटिफाई की जा सकती हैं। आपके ऑप्शंस एबीसी, बीसीडी, एबीडी, एसीडी हैं। इनमें से आपको सेलेक्ट करना है। यस, आप बिल्कुल सही हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही माना जाएगा। 12 लीड ईसीजी की मदद से आप डिसरिदमिया, कंडक्शन एबनॉर्मेलिटीज, चैम्बर एनलार्जमेंट एंड इंजरी, मायोकार्डियल इस्चीमिया, कंडक्शन एबनॉर्मेलिटीज आदि को पता कर सकते हैं। पल्मोनरी एडिमा और हार्ट फेलियर ईसीजी द्वारा आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकते। ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, और इसे जिस मशीन से किया जाता है उसे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन के नाम से जानते हैं। ईसीजी प्रोसेस के द्वारा हम हार्ट के अंदर होने वाली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को ग्राफ पेपर पर रिकॉर्ड करते हैं, जिससे कि कई सारी कंडीशंस को डायग्नोस किया जा सकता है। हार्ट रिदम एंड कंडक्शन डिस्टरबेंस, मायोकार्डियल इंफ्राक्शन, मायोकार्डियल इस्चीमिया, चैम्बर एनलार्जमेंट, डिसरिदमिया, ये सभी कंडीशंस हैं जो कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी द्वारा रिकॉर्ड की जा सकती हैं। अगर आप ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए ईईजी प्रोसीजर इस्तेमाल किया जाता है। इसे इलेक्ट्रोएन्सिफेलोग्राम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जनरल एनेस्थीसिया, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसेशन डिसअपियर एट लास्ट। अगर किसी क्लाइंट को आप जनरल एनेस्थीसिया देते हैं तो सबसे आखिरी में उसका कौन सा सेंसेशन लॉस होता है? कॉन्शियसनेस, प्यूपिल रेस्पॉन्स, हियरिंग या फिर पेन रेस्पॉन्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, हियरिंग। सर्जरी से पहले जब भी पेशेंट को बेहोश करने के लिए जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है तो इस एनेस्थीसिया के इफेक्ट के कारण पेशेंट में हियरिंग यानी सुनने की क्षमता सबसे आखिरी में जाती है, यानी पेशेंट बेहोश होते होते आखिरी समय तक अपनी बातों को सुन पा रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोजीशन यूज्ड फॉर इंसर्शन ऑफ गावास ट्यूब और एनजी ट्यूब। किसी क्लाइंट के अंदर आपको यदि नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब लगानी है, गावास ट्यूब लगानी है, तो उसे कौन सी पोजीशन दी जाएगी? नो ऑप्शंस फॉर दिस क्वेश्चन। द राइट आंसर इज हाई फॉवलर्स पोजीशन। जब भी किसी क्लाइंट के अंदर आप नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब लगाने जा रहे हैं तो आप उसे बिल्कुल सीधा बैठा देंगे, यानी हाई फॉवलर्स पोजीशन देंगे, और फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इस ट्यूब को स्टमक तक इंसर्ट किया जाएगा। यहाँ पर याद रखिएगा जो दो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, एक होता है गावास और एक होता है लावास। गावास का मतलब होता है किसी भी क्लाइंट को फीडिंग देना। गावास ट्यूब का मतलब होता है ऐसी ट्यूब जो कि पर्सन को फीडिंग देने के लिए लगाई जा रही है, फूड देने के लिए लगाई जा रही है, और लावास पर्पस से लगाई गई ट्यूब का मतलब होता है क्लीनिंग के लिए लगाई गई ट्यूब। मान लीजिए कोई पर्सन पॉइजन खा के हॉस्पिटल में आया है तो इस पर्सन के स्टमक में मौजूद पॉइजन को रिमूव करने के लिए, स्टमक को क्लीन करने के लिए जो ट्यूब डाली जाएगी वो लावास पर्पस से डाली जा रही है। तो याद रखिएगा गावास शब्द का मतलब है फीडिंग यानी भोजन देने के लिए, और लावास शब्द का मतलब होता है क्लीनिंग शब्द के क्लीनिंग पर्पस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैरेक्टरिस्टिक हार्मोन ऑफ प्लेसेंटा इज, प्लेसेंटा का कैरेक्टरिस्टिक हार्मोन कौन सा होता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन,
क्रॉनिक गोनेडोट्रोपिन या फिर ऑक्सीटोसिन। कैरेक्टरिस्टिक हार्मोन का मतलब है मेन हार्मोन। यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। प्लेसेंटा की सिंसियोट्रोपोब्लास्ट सेल्स के द्वारा ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन नाम का हार्मोन सिक्रीट किया जाता है, जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट शेड्यूल्ड फॉर रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, द नर्स बी पर्टिकुलरली अलर्ट फॉर। किसी पेशेंट में पिट्यूटरी ग्लैंड का रिमूवल होने वाला है, इस सर्जरी के बाद पेशेंट में किस कंडीशन के लिए नर्स को अलर्ट रहना होगा? पेशेंट में पिट्यूटरी ग्लैंड को रिमूव कर दिया जाएगा, इसके बाद पेशेंट को कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है जिसके लिए एज अ नर्स आपको अलर्ट रहना होगा? ऑप्शन ए नेजल कंजेशन के लिए, ऑप्शन बी एब्डोमिनल टेंडरनेस के लिए, ऑप्शन सी मसल टिटैनी कंडीशन के लिए, ऑप्शन डी ऑलिगूरिया कंडीशन के लिए। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन होती क्या है। पिट्यूटरी ग्लैंड आपके ब्रेन के नीचे वाले हिस्से में सिचुएटेड रहती है और इसे जब भी रिमूव किया जाता है तो इसके लिए नेजल रूट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण ऑपरेशन के बाद नेजल कंजेशन जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। पेशेंट में जब भी पिट्यूटरी ग्लैंड का रिमूवल होना होता है तो उसके लिए ट्रांस स्पेनोइडल अप्रोच का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रांस स्पेनोइडल अप्रोच का मतलब होता है पिट्यूटरी ग्लैंड को नोज के रूट से बाहर निकालना, और जब हम इस रूट का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर ट्रॉमा हो सकता है और ट्रॉमा के कारण इन्फ्लेमेशन हो सकती है, जिसके कारण नेजल कंजेशन जैसी कंडीशन हो सकती है। पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, उसका रेस्पिरेटरी एयरवे ब्लॉक हो सकता है। इस चीज का हमें ध्यान रखना होगा। याद रखिएगा ट्रांस स्पेनोइडल अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ह्यूमन ईच किडनी हैज लार्जर नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड। हमारी हर किडनी के अंदर बहुत सारी फिल्ट्रेशन यूनिट्स पाई जाती हैं, इन्हें किस नाम से जाना जाता है? नेफ्रॉन्स, न्यूरॉन्स, नेपच्यून्स, न्यूट्रॉन्स। यस एग्जैक्टली, ऑप्शन ए नेफ्रॉन इज द राइट आंसर। नेफ्रॉन हमारे किडनी में पाई जाने वाली छोटी छोटी फिल्ट्रेशन यूनिट्स हैं, इन्हें किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट के रूप में जाना जाता है। और याद रखिएगा हमारी हर किडनी के अंदर लगभग 1 मिलियन न्यूरॉन्स नेफ्रॉन्स होते हैं, यानी हर किडनी के अंदर लगभग 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। 1 मिलियन इक्वल्स 10 लाख। अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय बोथ किडनीज ईच मिनट इज कॉल्ड GFR। हमारी किडनीज के द्वारा हर मिनट जितना फिल्ट्रेट बनाया जाता है, जितना ब्लड से छानकर पदार्थ निकाला जाता है, उसे हम GFR कहते हैं। हमारी दोनों किडनी के द्वारा हर मिनट जितना फिल्ट्रेट तैयार किया जाता है, पदार्थ छानकर तैयार किया जाता है, उसे हम GFR के नाम से जानते हैं। GFR का फुल फॉर्म है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। और नॉर्मल GFR यदि आपसे पूछ ली जाए तो आप बता सकते हैं 125 ml/min। हमारी दोनों किडनीज मिलकर 125 ml यानी 125 ml/min फिल्ट्रेट तैयार करती हैं। और अगर आप इसे पूरा जोड़ें तो एक दिन में लगभग 180 लीटर फ्लूइड फिल्ट्रेट किया जाता है, जिसमें से सिर्फ 1.5 लीटर हम यूरिन के रूप में बाहर निकालते हैं और बाकी सारा ट्यूब्यूल्स के द्वारा रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नर्स इज परफॉर्मिंग अ फिजिकल असेसमेंट ऑन अ क्लाइंट एंड इज टेस्टिंग द क्लाइंट्स रिफ्लेक्स। व्हाट एक्शन शुड द नर्स टेक टू असेस फेरिंजियल रिफ्लेक्स?
किसी पेशेंट में आपको अगर फेरिंजियल रिफ्लेक्स चेक करना हो तो इनमें से कौन सा तरीका आप इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन वन, आस्क द क्लाइंट टू स्वेलो। आप इस पेशेंट को स्वेलो करने के लिए कहेंगे, निगलने के लिए कहेंगे। ऑप्शन टू, पुल डाउन ऑन हर ऑन द लोअर आईलिड। हम इस पर्सन की लोअर आईलिड को नीचे की तरफ खींचेंगे। ऑप्शन थ्री, शाइन अ लाइट टुवर्ड द ब्रिज ऑफ नोज। हम क्लाइंट के नोज ब्रिज पर लाइट शाइन करेंगे। ऑप्शन फोर, स्टिम्युलेट द बैक ऑफ द थ्रॉट विथ टंग डिप्रेसर। हम इस पेशेंट के गले के सबसे पीछे वाले हिस्से को टंग डिप्रेसर की मदद से स्टिम्युलेट करेंगे। किस एक्शन के द्वारा आप फेरिंजियल रिफ्लेक्स को चेक कर सकते हैं? अगर आप इस टर्म पर गौर करें, फेरिंजियल, तो आप समझ पा रहे होंगे कि कहीं ना कहीं ये फेरिंग्स एरिया से रिलेटेड है, गले से रिलेटेड है। जब आप इस बात को गैस कर रहे हैं तो यहाँ पर आईलिड वाला ऑप्शन और नोज ब्रिज पर लाइट साइन करने वाला ऑप्शन आप हटा सकते हैं। अब आपको कंफ्यूजन रहेगा ऑप्शन वन और ऑप्शन फोर के अंदर कि क्लाइंट को स्वेलो करने के लिए कहा जाए या फिर टंग डिप्रेसर की मदद से बैक पार्ट को स्टिमुलेट किया जाए। जब आप किसी क्लाइंट को कोई भी चीज स्वेलो करने के लिए कहते हैं तो ऐसा कह के आप उसमें बेसिकली स्वेलोइंग रिफ्लेक्स को चेक कर रहे हैं। किसी भी क्लाइंट को स्वेलो करने के लिए कहना, किसी चीज को निगलने के लिए कहना, और अगर वो ये कर पा रहा है तो इसे हम स्वेलोइंग रिफ्लेक्स का प्रेजेंट होना मानते हैं। तो फाइनली आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है जो कि है ऑप्शन फोर। ये करेक्ट आंसर भी है। आइए इस रिफ्लेक्स के बारे में जान लें, इंपॉर्टेंट है। अगर किसी क्लाइंट के बैक ऑफ द थ्रॉट में आप किसी ऑब्जेक्ट या टंग डिप्रेसर की मदद से टच करते हैं तो ये एरिया स्टिम्युलेट हो जाता है, और जैसे ही यहाँ स्टिम्युलेशन होगा तो हमारी बॉडी का ये हिस्सा उस ऑब्जेक्ट को या टंग डिप्रेसर को बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करेगी। ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, और किसी भी व्यक्ति में फेरेंजियल रिफ्लेक्स का पाया जाना पॉजिटिव होना नॉर्मल माना जाता है। फेरेंजियल रिफ्लेक्स को ही आप गैग रिफ्लेक्स के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से समझिएगा, जब भी किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा आपके गले के पीछे वाले हिस्से को स्टिम्युलेट किया जाएगा तो हमारे बॉडी के प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स के द्वारा इस ऑब्जेक्ट को बॉडी के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, बॉडी से बाहर फेंकने की कोशिश की जाएगी। इसे हम फेरिंजियल या गैग रिफ्लेक्स के रूप में जानते हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है कि इस गैग रिफ्लेक्स में कौन कौन सी दो क्रेनियल नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ग्लॉसोफेरेंजियल जो कि 9th क्रेनियल नर्व है, और वेगस जो कि 10th क्रेनियल नर्व है। इन दोनों क्रेनियल नर्व्स के कारण ही गैग रिफ्लेक्स हो पाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर किसी पेशेंट को आपने लोकल थ्रॉट एनेस्थीसिया दिया है तो इस एनेस्थीसिया को देने के बाद आप इस व्यक्ति को तब तक कुछ भी खाने या पीने को नहीं देंगे जब तक कि इसके अंदर गैग रिफ्लेक्स वापस नहीं आ जाते। अगर आपने गैग रिफ्लेक्स की एब्सेंस में पर्सन को कुछ भी खाने या पीने के लिए दिया तो हो सकता है ये फूड या वाटर कंटेंट सीधा पेशेंट के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला जाए, लंग्स में चला जाए, क्योंकि गैग रिफ्लेक्स के ना होने के कारण वहां पर कोई भी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म नहीं बचेगी और पर्सन में एस्पायरेशन हो जाएगा और पर्सन की हालत बिगड़ सकती है। तो याद रखिएगा, किसी भी सर्जरी में जब आप एनेस्थीसिया देते हैं या फिर लोकल थ्रॉट एनेस्थीसिया किसी प्रोसेस के लिए आपने दिया है तो आप जब भी पेशेंट को कुछ भी खाने या पीने के लिए देना शुरू करेंगे तो पहले उसमें चेक करें कि गैग रिफ्लेक्स वापस आए हैं या नहीं, और शुरुआत हमेशा आपको लिक्विड कंटेंट से ही करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एब्जॉर्प्शन टाइम ऑफ क्रॉमिक कैटगट सूचर इज। इनमें से कौन
क्रोमिक कैटगट सूचर का एब्जॉर्प्शन टाइम कितनी समय का कितने दिनों का होता है? 7 days, 14 days, 21 days, 90 days. द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 90 days. आइए इसके बारे में जान लेते हैं. कैटगट सूचर अ नेचुरल एब्जॉर्बेबल सूचर एंड इज ऑब्टेन्ड बाय लॉन्गिट्यूडिनली स्लिटिंग द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा ऑफ शिप एंड गॉट. कैटगट सूचर जो है नेचुरली एब्जॉर्बेबल टाइप का सूचर है, यानी कि इस प्रकार के सूचर से स्टिचेस करने के बाद इन्हें रिमूव करवाने की आवश्यकता नहीं होती. जब आप कैटगट सूचर से टांके लगवाते हैं किसी घाव में, तो इन्हें वापस से निकलवाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बॉडी के एंजाइम्स इस सूचर को, इन थ्रेड मटेरियल को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेते हैं, गला लेते हैं. और याद रखिएगा, ये जो कैटगट सूचर होता है ये शिप और गोट की इंटेस्टाइन से बनती है, यानी भेड़ और बकरी की जो आंतें होती हैं, इंटेस्टाइन्स होती हैं, इनकी लॉन्गिट्यूडिनल स्लिटिंग करके इन थ्रेड्स को तैयार किया जाता है. कैटगट का जो एब्जॉर्प्शन टाइम है वो 90 डेज माना जाता है, और इसकी जो टेंसिलाइन स्ट्रेंथ होती है वो 7 days तक रहती है. टेंसिलाइन स्ट्रेंथ का मतलब होता है, एक बार जब आपने इसमें इसके इस्तेमाल से स्टिचेस लगा दी, तो ये 7 दिनों तक हूबहू ऐसे ही रहने वाले हैं, इनमें बिल्कुल भी चेंजेस नहीं होते. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग इन्वॉल्व्स. कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग में किसे इन्वॉल्व किया जाता है? टाइमली, एडिक्वेट, एक्टिव फीडिंग, ऑल ऑफ द अबव. द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग होता क्या है. न्यूबॉर्न बेबी को जन्म से लेकर 6 महीने की उम्र होने तक सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग ही करवानी चाहिए, और बच्चे की ग्रोथ के लिए जो न्यूट्रिएंट्स आवश्यक होते हैं वो सभी ब्रेस्ट मिल्क से कम्प्लीटली बच्चे को मिल जाते हैं. जैसे ही बच्चे की उम्र 6 महीने हो जाती है, तो उसकी बॉडी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट की आवश्यकता होती है, जो कि ब्रेस्ट मिल्क द्वारा पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहे होते हैं. अब तो 6 महीने के एज होने पर बच्चे को कुछ और फूड सब्सटेंस देने शुरू कर देने चाहिए. ब्रेस्ट मिल्क के अलावा बच्चे को खाने के लिए जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें दी जाती हैं, ये प्रोसेस कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कहलाता है. इसे आप वीनिंग के नाम से भी जानते हैं. सिंपली कहें तो वीनिंग या कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग का मतलब है 6 महीने की उम्र होने पर बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क के साथ साथ कुछ और चीज़ें खाने या पीने के लिए दिया जाना शुरू करना. आइए अब बात कर लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के अंदर किन किन चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है. कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के लिए या कॉम्प्लीमेंट्री फूड के लिए टाइमली, एडिक्वेट, सेफ, प्रॉपरली फेड, ये सभी कॉम्पोनेंट्स इंक्लूड किए जाते हैं. आइए इनके बारे में जान लें. एंश्योरिंग दैट इन्फेंट्स न्यूट्रिशनल नीड आर मेट रिक्वायर दैट कॉम्प्लीमेंट्री फूड बी. बच्चे की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला फूड होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री फूड. टाइमली, मीनिंग दैट दे आर इंट्रोड्यूस्ड वेन द नीड फॉर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट एक्सीड व्हाट कैन बी प्रोवाइडेड थ्रू एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग. बच्चे को उस समय वीनिंग शुरू करवा देना चाहिए जब बच्चे की बॉडी रिक्वायरमेंट ब्रेस्ट मिल्क से पूरी ना हो रही हो. एडिक्वेट, मीनिंग दैट दे प्रोवाइड सफिशियंट एनर्जी, प्रोटीन एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट टू मीट द ग्रोथ ऑफ चाइल्ड्स न्यूट्रिशनल नीड. बच्चे की न्यूट्रिशनल नीड को पूरा करने वाला फूड होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री फूड, जिसमें एनर्जी, प्रोटीन, माइक्रो न्यूट्रिएंट सभी पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए. सेफ, मीनिंग दैट दे आर हाइजीनिकली स्टोर्ड एंड प्रिपेयर्ड एंड फेड विद क्लीन हैंड्स यूजिंग क्लीन यूटेंसिल्स एंड नॉट बॉटल्स एंड किट्स. बच्चों को जो कॉम्प्लीमेंट्री फूड दिया जाने वाला है उसे पूरी तरह से हाइजीन से प्रिपेयर करना चाहिए. सही जगह पर, साफ सुथरी जगह पर, साफ सुथरे बर्तनों में स्टोर किया जाना चाहिए, और इन्हें क्लीन हैंड से बच्चे को डिलीवर करना चाहिए. बॉटल्स और टिट्स का इस्तेमाल इन्हें डिलीवर करने के लिए नहीं करना चाहिए. प्रॉपरली फेड, मीनिंग दैट
they are given consistent with a child's signal of appetite and satiety, and that meal frequent and feeding are suitable for age. बच्चों को ये फीड तब तक देना चाहिए जब तक वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो जाते, उनकी भूख और प्यास कंप्लीटली फुल नहीं हो जाती, तब तक हमें ये फीड देना चाहिए. केयर गिवर शुड टेक एक्टिव केयर इन फीडिंग ऑफ इन्फेंट्स बाय बीइंग रिस्पॉन्सिव टू द चाइल्ड क्लूज ऑफ हंगर एंड ऑल्सो एनकरेजिंग द चाइल्ड टू ईट. बच्चों को कब भूख लगी और बच्चों ने खाना खा लिया, अब उनकी भूख मिट चुकी है, इस चीज के बारे में केयर गिवर को अच्छे से समझ होनी चाहिए ताकि वो बच्चे को अच्छे से फीडिंग करवा सके. ये सभी चीजें कॉम्प्लीमेंट्री फूड के अंदर इंक्लूड की जाती है. टाइमली, एडिक्वेट, सेफ, प्रॉपरली फूड फेड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट शुड द नर्स डू टू असेस द neurovascular status of an extremity casted from ankle to thigh. इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि एक पेशेंट के लोअर एक्सट्रीमिटी के अंदर एंकल एरिया से लेकर थाई एरिया तक प्लास्टर कास्ट लगा हुआ है. इस सिचुएशन में, इस एक्सट्रीमिटी में यदि आपको न्यूरोवैस्कुलर असेसमेंट का स्टेटस चेक करना हो, न्यूरोवैस्कुलर स्टेटस चेक करना हो, तो क्या करेंगे आप, कैसे करेंगे आप? यहाँ डायग्राम में समझिएगा, ये पेशेंट का पैर है जिसमें मल्टीपल फ्रैक्चर्स है और इनके हीलिंग के लिए एंकल एरिया से यानी पांव के टखने से लगाकर जांग तक यानी थाइस तक हमने प्लास्टर कास्ट लगाया है. पेशेंट के लोअर एक्सट्रीमिटी में, पैरों में कई जगह फ्रैक्चर है और इन फ्रैक्चर को ट्रीट करने के लिए हमने पेशेंट के एंकल एरिया से लेकर थाई एरिया तक प्लास्टर कास्ट लगाया हुआ है. अब इस प्लास्टर वाले पार्ट में न्यूरॉन और ब्लड वेसल्स ठीक है, इनमें सर्कुलेशन हो रहा है या नहीं, इनमें सेंसेशन है या नहीं, इस चीज को असेस करना हो तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जाएगा. आपके ऑप्शंस हैं, पाल्पेट द फीमोरल आर्टरी. हम इस क्लाइंट में थाइस के पास जो फीमोरल आर्टरी मौजूद है उसे पाल्पेट करके ये चीज चेक कर लेंगे. ऑप्शन बी कहता है असेस फॉर पॉजिटिव होमान साइन. हम इस क्लाइंट में होमान साइन मौजूद है या नहीं, इस चीज का असेसमेंट करेंगे. ऑप्शन थ्री, कंप्रेस एंड रिलीज द क्लाइंट टोनेल. हम इस पेशेंट के पैर के अंगूठे को कंप्रेस करके रिलीज करेंगे, इस तरह से हम न्यूरोवैस्कुलर स्टेटस चेक कर पाएंगे. या फिर इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू फ्लेक्स एंड एक्सटेंड द नी. हम इस पेशेंट को ये कहेंगे कि आप अपने घुटने को फोल्ड करें यानी फ्लेक्स करें और एक्सटेंड करें यानी फैलाएं. इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर फोर की बात करेंगे जो कि बिल्कुल रॉन्ग माना जाएगा. क्यों इसे हमने पहले ही एलिमिनेट कर दिया है, इस चीज को समझिएगा. अगर किसी क्लाइंट के पैर पर प्लास्टर कास्ट लगा हुआ है तो वो अपने पैर के घुटने को चाहकर भी नहीं मोड़ पाएगा. और इस ऑप्शन में कहा गया है कि हम पेशेंट को उसके पैर को घुटने से मोड़ने और फैलाने के लिए कहेंगे, जो कि संभव नहीं है, इसलिए हम पहले ही इस ऑप्शन को यहां से हटा देते हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर वन की. यहां पर कहा गया है कि हम पेशेंट के थाइस में मौजूद जो फीमोरल आर्टरी है उसे पाल्पेट करेंगे, दबा कर देखेंगे कि यहाँ ब्लड सप्लाई हो रही है या नहीं, जो कि एक गलत ऑप्शन माना जाएगा. अगर यहाँ पर इस ऑप्शन को इस तरह से कहा जाता कि हम पेशेंट के इंजरी वाली साइड से डिस्टल एरिया में यानी फुट एरिया में मौजूद किसी ब्लड वेसल को
पालपेट करके दबाकर चेक करते हैं कि यहाँ पर ब्लड सप्लाई पहुँच पा रही है या नहीं, यहाँ पल्स आ रही है या नहीं, तो फिर भी हम इसे सही मान सकते थे। लेकिन इंजरी से पहले आप अगर ब्लड वेसल में पल्स का असेसमेंट कर रहे हैं तो ऐसा करके आप अफेक्टेड पार्ट में न्यूरोवेस्कुलर स्टेटस को सही तरह से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। इसकी बजाय अगर यहाँ पर लिखा होता कि क्लाइंट में पीडल पल्स का असेसमेंट किया जाएगा तो हम इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते थे, लेकिन फिमोरल आर्टरी का असेसमेंट ये चीज को लिए सही नहीं है। अब हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर 3 की। इस पेशेंट में यदि हम होमान साइन को चेक करके सर्कुलेशन सही है या नहीं इस चीज का निर्धारण करना चाहें तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत माना जाएगा। याद रखिएगा, किसी भी क्लाइंट में यदि आप होमान साइन को चेक करते हैं तो ऐसा करके आप वहां पर डीप वेन थ्रोम्बोसिस कंडीशन तो नहीं इस चीज का असेसमेंट कर रहे होते हैं। होमान साइन को चेक करने के लिए हम पेशेंट के लोअर एक्सट्रीमिटी को डॉर्सिफ्लेक्स करते हैं, यानी पेशेंट के पैर के पंजे को ऊपर की तरफ फोल्ड करते हैं, मोड़ते हैं, और ऐसा करने पर यदि पेशेंट के काफ मसल्स के अंदर पेन होता है तो ये कंडीशन होमान साइन पॉजिटिव होना बताती है। यहाँ पर इस टेस्ट के द्वारा हम सर्कुलेशन का असेसमेंट नहीं कर पाएंगे। तो फाइनली आपके पास ऑप्शन नंबर 3 बचता है जो कि यहाँ पर सही आंसर भी है। इस पेशेंट में ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई प्रॉपर तरीके से हो रही है या नहीं इस चीज का असेसमेंट करने के लिए हम पेशेंट के अंगूठे को कंप्रेस करेंगे और उसके बाद छोड़ेंगे। कितने सेकंड में अंगूठे के अंदर वापस से ब्लड फिल हो रहा है, उसका कलर रेड हो रहा है, इस टाइम को नोट करेंगे। अगर टाइम 2 से 3 सेकंड का लग रहा है तो इसका मतलब है क्लाइंट के अंदर ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई बेहतर है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, न्यूरोवेस्कुलर स्टेटस हेल्दी है। आइए इस चीज के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर पैर के अंगूठे को दबाकर जो हमने टेस्ट किया है इस टेस्ट को हम कैपिलरी रिफिल टेस्ट या ब्लांच टेस्ट के नाम से जानते हैं। इस टेस्ट के लिए हम किसी भी लोअर एक्सट्रीमिटी या अपर एक्सट्रीमिटी की फिंगर को कंप्रेस करते हैं जब तक कि वो ब्लांच ना हो जाए, उसके बाद उसे छोड़ते हैं। जैसे ही हम छोड़ते हैं वापस से उस एरिया का रेड होने में कितना समय लगा इस टाइम के बिहाफ पर हम इस टेस्ट को चेक करते हैं। नॉर्मली अगर न्यूबॉर्न बेबीज की बात की जाए तो नॉर्मल कैपिलरी रिफिल टाइम होने में 2 सेकेंड से कम का लगना चाहिए, अडल्ट के अंदर 3 सेकेंड तक ये समय लगता है और ओल्डर अडल्ट के अंदर 3 से 4 सेकेंड के अंदर ये चीज नॉर्मली रिफिल हो जानी चाहिए। अगर इतना टाइम किसी पर्सन को लग रहा है तो इसका मतलब है कि न्यूरोवैस्कुलर असेसमेंट सही है, अदरवाइज उसमें सर्कुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडीज अकर्स एज अ पेंटामेरिक स्ट्रक्चर। इनमें से कौन सी एंटीबॉडी पेंटामेरिक स्ट्रक्चर वाली होती है? IgA, IgG, IgE, IgM। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, IgM, इम्यूनोग्लोबुलिन एम पेंटामेरिक स्ट्रक्चर वाली एंटीबॉडी है, इम्यूनोग्लोबुलिन है। IgM पेंटामेरिक स्ट्रक्चर है, यानी कि 5 इम्यूनोग्लोबुलिन सब यूनिट से मिलकर बनी स्ट्रक्चर है। इसे आप याद रखने के लिए इस इमेज को याद रखें। यहाँ पर M बनाया गया है IgM का और इस M के हर पॉइंट पर, हर मोड़ पर हमने एक सब इम्यूनोग्लोबुलिन सब यूनिट को कनेक्ट किया है। इस तरह से इम्यूनोग्लोबुलिन एम पेंटामेरिक स्ट्रक्चर है, आप याद रख पाएंगे।
इम्यूनोग्लोबुलिन एम को मिलेनियर मॉलिक्यूल के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। इम्यूनोग्लोबुलिन एम का मॉलिक्यूलर वेट 90,000 से 1,00,000 के बीच होता है, तो इट इज कॉल्ड मिलेनियर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट आपको बताना है भारत में मेल्स के अंदर और फीमेल के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कैंसर कौन सा है। सबसे पहले मेल के अंदर बताएंगे आप, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, इस बात को ध्यान रखते हुए अपने क्वेश्चन का आंसर दें। यस, अगर मेल्स के अंदर बात की जाए तो इंडिया में ओरल कैंसर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। इंडियन मेल्स के अंदर च्युइंग ऑफ टोबैको की हैबिट बहुत ज्यादा है और इस कारण से यहाँ पर ओरल कैंसर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंडिया में फीमेल्स में सबसे ज्यादा कौन सा कैंसर मिलता है तो क्या बताएंगे? यस एग्जैक्टली, इट इज ब्रेस्ट कैंसर। पहले इंडिया अंडर डेवलप्ड कंट्री था तो उस समय इंडिया के अंदर जो सर्वाइकल कैंसर था वो काफी ज्यादा देखने को मिलता था, लेकिन रीसेंट अपडेटेड डाटा के अनुसार इंडिया में अब मोस्ट कॉमन फीमेल कैंसर का टाइप है ब्रेस्ट कैंसर। तो याद रखिएगा, मेल्स में ओरल कैंसर इंडिया में सबसे ज्यादा हो रहा है और फीमेल के अंदर ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज्यादा हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेप्स व्हाइल प्रोवाइडिंग बेसिक फर्स्ट एड केयर टू इंजर्ड पीपल। अगर किसी इंजर्ड पर्सन को बेसिक बेसिक फर्स्ट एड केयर देनी है तो उसके लिए क्या स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं? चेक कैरोटिड पल्स, एयरवे ब्रीथिंग एंड रिकवरी पोजीशन, एयरवे एंड सक्शनिंग, ऑल ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज एयरवे ब्रीथिंग एंड रिकवरी पोजीशन। किसी भी पर्सन को बेसिक फर्स्ट एड देते समय एयरवे ब्रीथिंग और रिकवरी पोजीशन के हिसाब से टेकल किया जाता है। दीज आर द स्टेप्स यूज ड्यूरिंग द फर्स्ट एड केयर प्रोसीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज कॉमन कैंसर विथ एड्स। एड्स के पेशेंट में कौन सा कैंसर कॉमनली देखने को मिलता है? ल्यूकीमिया, एडिनोकार्सिनोमा, ऑस्टियोसार्कोमा, कापोसी सार्कोमा। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, कापोसी सार्कोमा। आइए जान लेते हैं कापोसी सार्कोमा क्या होता है। कापोसी सार्कोमा इज अ कैंसर दैट कॉजेज लीजन इन टू द सॉफ्ट टिश्यू। हमारे बॉडी के सॉफ्ट टिश्यूज के अंदर लीजन कॉज करने वाले कैंसर को हम कापोसी सार्कोमा के नाम से जानते हैं। कापोसी सार्कोमा कॉजेज लीजन टू ग्रो इन स्किन, लिम्फ नोड्स, इंटरनल ऑर्गन्स एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स लाइनिंग द माउथ, नोज एंड थ्रॉट। इन सभी जगह पर कापोसी सार्कोमा के कारण घाव या लीजन्स बनाए जाते हैं। इट ऑफ्टन अफेक्ट पीपल विथ इम्यून डेफिशिएंसी सच एज HIV और एड्स। पर्पल, रेड और ब्राउन स्किन ब्लॉचेस आर कॉमन साइन। HIV एड्स में पर्सन की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है जिसकी वजह से कापोसी सार्कोमा कंडीशन देखने को मिलती है और इस कंडीशन के अंदर पर्पल, रेड या ब्राउन कलर के स्किन ब्लॉचेस देखने को मिलते हैं जो कि इस सार्कोमा के कॉमन साइन के रूप में माने जाते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है पर्पल ब्राउन स्किन ब्लॉचेस, पर्पल ब्राउन स्किन ब्लॉचेस। ट्यूमर्स आर ऑल्सो डेवलप इन अदर एरियाज ऑफ बॉडी। इन विशेष हिस्सों के अलावा शरीर के दूसरे हिस्सों में भी ट्यूमर्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ बताए जो एरियाज हैं ये मेन है। ट्रीटमेंट में इंक्लूड रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी,
रेयरली सर्जरी में भी रिक्वायर्ड। इस प्रकार के कैंसर के ट्रीटमेंट में मोस्टली रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है, सर्जरी रेयरली ही यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूरिन कंटेनिंग HCG इज एन इम्पॉर्टेंट साइन ऑफ। अगर किसी वुमेन के यूरिन में HCG हार्मोन मौजूद है तो इससे किस कंडीशन के होने के बारे में पता चलता है? मेनिनजाइटिस, एक्यूट रीनल फेलियर, प्रेगनेंसी या फिर रीनल ट्यूमर? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, प्रेगनेंसी। वुमेन के यूरिन में यदि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन की प्रेजेंस मिलती है तो ये वुमेन के प्रेग्नेंट होने को बताता है। आइए इसके बारे में कुछ और पॉइंट्स जान लें। यूरिन में HCG हार्मोन की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करना UPT टेस्ट या यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट के रूप में जाना जाता है। इस टेस्ट के द्वारा हम बेसिकली वुमेन के यूरिन में ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन नाम के हार्मोन को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर ये प्रेजेंट है तो इसका मतलब लेडी इज प्रेग्नेंट। इस टेस्ट को कब किया जा सकता है? यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट को पीरियड मिस होने के लगभग 2 सप्ताह के बाद किया जाना सबसे सही माना जाता है, या फिर कंसेप्शन होने के 10 दिन बाद हम इस टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं जिससे कि हमें सही रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम में UPT टेस्ट के लिए जो किट्स यूज किए जाते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है, तो आप बताएंगे निश्चय किट। निश्चय किट इज यूज फॉर UPT टेस्ट सप्लाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर MCH प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नर्स इज चेकिंग पोस्ट ऑपरेटिव प्रिस्क्रिप्शन एंड प्लानिंग केयर फॉर अ 110-pound child after spinal fusion. Morphine sulfate 8 mg subcutaneously every 4 hours PRN for pain is prescribed. The pediatric medicine reference states that safe dose is 0.1 to 0.2 mg per kg per dose every 3 to 4 hours. From this information, the nurse determined what about the prescription. AIIMS NORSET की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस तरह के लेंदी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जिनमें लैंग्वेज काफी लॉन्ग होती है लेकिन पूछा बहुत ही बेसिक सी चीजें जाती हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है इस चीज को समझिएगा। एक बच्चा है जिसका वजन 110 पाउंड का है, एक बच्चे का वजन 110 पाउंड का है और उसके अंदर स्पाइनल फ्यूजन नाम का प्रोसीजर किया गया है। इस प्रोसीजर के बाद डॉक्टर ने एक प्रिस्क्रिप्शन में लिखा है कि अगर बच्चे को दर्द हो, यानी PRN ऑर्डर में ये लिखा गया है कि बच्चे को यदि दर्द हो तो उसे 8 mg सबक्यूटेनियसली मॉर्फिन सल्फेट लगा सकते हैं आप 4 घंटे में एक बार। इस ऑर्डर को देखने के बाद आपके मन में एक डाउट पैदा हुआ तो आपने पीडियाट्रिक मेडिकेशन रेफरेंस रेंज निकाली तो उसमें लिखा गया था कि किसी भी बच्चे को जिसे मॉर्फिन सल्फेट दिया जाना हो उसके लिए 0.1 से 0.2 mg पर kg पर डोज के हिसाब से ही आप दे सकते हैं और 3 से 4 घंटे के लिए ये डोज होनी चाहिए। यानी कि पीडियाट्रिक मेडिकेशन रेफरेंस रेंज ये कहती है कि किसी भी बच्चे के लिए मॉर्फिन की सेफ डोज 0.1 से 0.2 mg पर kg पर डोज एवरी 4 आवर्स के लिए ही है, इससे ज्यादा आप उसे नहीं दे सकते। तो यहाँ पर
डॉक्टर द्वारा जो 8 mg का प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है, ये प्रिस्क्रिप्शन कैसा है? क्या ये प्रिस्क्रिप्शन बहुत कम है, बहुत ज्यादा है, या फिर बिल्कुल नॉर्मल है, सेफ डोज है, या फिर इस इंफॉर्मेशन जो कि यहाँ दी गई है इसके हिसाब से हम कुछ भी नहीं कह सकते। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जो वैल्यूज दी गई हैं उसके हिसाब से सेफ डोज का अमाउंट अगर आप पता कर लेते हैं तो आपके हिसाब से ये पता कर पाना आसान होगा कि डॉक्टर द्वारा जो ये 8 mg का डोज दिया गया है या ये सही है या नहीं है। इसे कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो बच्चे का वजन दिया गया है 110 पाउंड, ये कंफ्यूज कर रहा है, इसे हम केजी में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बच्चे का जो वजन दिया गया है 110 पाउंड का, इसे हम केजी में कन्वर्ट करेंगे। अब केजी में कन्वर्ट कैसे किया जाएगा इस चीज को देखिएगा। हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि 1 किलोग्राम के अंदर 2.2 पाउंड होते हैं। पाउंड को हम एलबीएस के रूप में लिखते हैं, या चाहे तो आप लिख लीजिएगा 1 पाउंड जो होता है 2.2 LBS, सॉरी 1 kg जो होता है उसमें 2.2 LBS होते हैं, 2.2 पाउंड्स होते हैं। यहाँ पर बच्चे का वजन दिया गया है 110 पाउंड, इसे अगर केजी में कन्वर्ट करना है तो इसमें 2.2 का भाग दे देंगे, इससे डिवाइड कर देंगे। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 50 kg, यानी इस बच्चे का जो वजन है ये 50 किलो का है। अब पीडियाट्रिक मेडिकेशन रेफरेंस रेंज के हिसाब से हम मैक्सिमम अमाउंट को लेते हैं 0.2 mg पर केजी पर डोज, यानी कि अगर इस बच्चे का वजन 50 किलो है और इसे हम मैक्सिमम अमाउंट यानी 0.2 mg देते हैं तो इसकी डोज होगी 10 mg, यानी इस बच्चे का वजन 50 किलो है तो हम इसे हर 4 घंटे में 10 mg तक मॉर्फिन सल्फेट दे सकते हैं। और इन डॉक्टर के द्वारा यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ मेडिसिन है वो सिर्फ 8 mg ही दिया गया है, तो इसका मतलब है कि डॉक्टर द्वारा जो डोज डिसाइड की गई है वो बिल्कुल सही है, हम बिना किसी कंफ्यूजन के इस डोज को डिलीवर कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए था कि किस प्रकार से आप पाउंड को केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जैसे ही आपने केजी में इसे कन्वर्ट किया क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डेवलपमेंटल टास्क इज एसोसिएटेड विद स्कूल एज चाइल्डहुड अकॉर्डिंग टू एरिक्सन्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थ्योरी। एरिक एरिक्सन ने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की थ्योरी में अलग अलग एज के अंदर अलग अलग डेवलपमेंटल टास्क दिए थे। आपको बताना है कि जब कोई बच्चा स्कूल एज के अंदर होता है यानी 6 से 12 की उम्र के बीच होता है तो उसके लिए डेवलपमेंटल टास्क कौन सा माना जाता है, ट्रस्ट, इनिशिएटिव, इंडिपेंडेंस या फिर इंडस्ट्री। यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। आइए इरिक्सन के द्वारा दिए गए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के मॉडल को समझ लेते हैं। एरिक इरिक्सन्स थ्योरी सजेस्ट दैट ईगो आइडेंटिटी डेवलप्स थ्रू आउट योर एंटायर लाइफ ड्यूरिंग 8 स्पेसिफिक स्टेजेस। एरिक इरिक्सन की साइकोसोशियल थ्योरी के अनुसार पर्सन की पूरे जीवन काल में उसकी ईगो 8 स्टेजेस के अंदर डेवलप होती है। आइए जानते हैं कौन सी स्टेज में क्या डेवलपमेंट देखा जाता है। जब बच्चे की उम्र 1 साल से कम की होती है यानी इन्फेंसी पीरियड में जब बच्चा होता है तो इसके अंदर ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का डेवलपमेंट देखा जाता है। बच्चे की उम्र जब 1 से 3 साल के बीच होती है, टॉडलर एज होती है, तो उस समय ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट देखने को मिलता है। जब बच्चा प्री स्कूल एज के अंदर होता है यानी कि 3 से 6 की उम्र के बीच होता है
तब उसमें इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट देखने को मिलता है। बच्चे की उम्र 6 से 12 के बीच यानी स्कूल एज का होने पर उसके अंदर इंडस्ट्री वर्सेस इंपीरियोरिटी देखने को मिलता है। अब बच्चा एडोलेसेंस एज के अंदर है यानी करीब 10 से 19 साल का है और इस दौरान आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन देखने को मिलेगा। एडोलेसेंस एज के अंदर आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन देखने को मिलता है। बच्चा जब यंग अडल्टहुड एज के अंदर होता है यानी करीब 20 से 35 साल के बीच में होता है तो इसके अंदर इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन देखने को मिलता है। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन देखने को मिलता है। और बच्चे की उम्र या अडल्ट पर्सन की उम्र जब मिडिल एज में होती है यानी 35 से 65 साल के बीच होती है तब उसके अंदर जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन देखने को मिलता है। जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। और जब पर्सन 65 साल से ऊपर की एज में होता है यानी ओल्डर अडल्टहुड एज के अंदर होता है तो उसके अंदर इंटीग्रेटिव वर्सेस डिस्पेयर देखने को मिलता है। इंटीग्रेटिव वर्सेस डिस्पेयर देखने को मिलता है। आप चाहे तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रीवियस कई नर्सिंग एग्जाम्स में यहाँ से एज देखकर कौन सा डेवलपमेंट टास्क होगा इस एज के अंदर इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वायरस फाउंड इन सेलफिश फ्रॉम कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड्स दैट आर हैंडल्ड बाय इंफेक्टेड इंडिविजुअल देन ईटन रो कैन कॉज। अगर आपने कंटेमिनेटेड फूड में पाई जाने वाली सेलफिश को जो कि कंटेमिनेटेड पर्सन द्वारा हैंडल की गई थी और उसे रॉ ही ईट किया गया, कच्चा ही खाया गया या आधा पका ही खाया गया, तो इसकी वजह से कौन सी डिजीज कंडीशन हो सकती है? इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, शिएवो वायरस। बेसिकली यहां पर आपसे कंटेमिनेटेड फूड खाने के कारण कौन सा डिजीज ट्रांसमिट हो रहा है इसके बारे में पूछा जा रहा है। ये आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस के बारे में आप सभी जानते हैं, लीवर में इंफ्लामेशन का होना जो कि बैक्टीरिया, वायरस आदि के इंफेक्शन, मेडिसिन की टॉक्सिसिटी या टॉक्सिन एक्सपोजर के कारण हो सकता है, हेपेटाइटिस कहलाता है। मोस्टली हेपेटाइटिस जो है वायरस के कारण होने वाला इंफेक्शन माना जाता है। और हेपेटाइटिस के टाइप्स की बात की जाए तो ए, बी, सी, डी और ई ये सभी टाइप्स होते हैं। कुल 5 प्रकार के हेपेटाइटिस होते हैं। इनमें से याद रखिएगा हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई दो टाइप हैं जो कि फीको ओरल रूट से ट्रांसमिशन की संभावना रखते हैं। यानी हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई दोनों ही कंटेमिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू ट्रांसमिट हो सकते हैं। हेपेटाइटिस ए को आप इंफेक्शियस हेपेटाइटिस के नाम से भी जानते हैं और इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 6 सप्ताह का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज कॉल्ड फादर ऑफ मेडिसिन। इनमें से किसे फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है? लुइस पाश्चर को, लॉर्ड लिस्टर को, हिपोक्रेट्स को या फिर डार्विन को? ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। हिपोक्रेट्स को हम फादर ऑफ मेडिसिन के रूप में जानते हैं। फादर ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन्स भी इन्हें ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर। इनमें से इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है, पॉलीसेकेराइड्स हैं, लिपोप्रोटीन्स हैं या फिर एमाइनो एसिड्स हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन ए। इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो हैं ग्लाइकोप्रोटीन से बनी स्ट्रक्चर्स हैं।
आइए इसके बारे में और जान लें। इम्यूनोग्लोबुलिन्स को आप एंटीबॉडी के नाम से भी जानते हैं। ये प्लाज्मा पॉलीपेप्टाइड से बनी स्ट्रक्चर्स होती हैं। प्लाज्मा पॉलीपेप्टाइड का एग्जाम्पल ग्लाइकोप्रोटीन होता है और इससे ही बनी स्ट्रक्चर्स होती हैं। और इम्यूनोग्लोबुलिन्स हमारी बॉडी का प्राइमरी डिफेंस सिस्टम मानी जाती है। जैसे ही हमारे शरीर के अंदर कोई भी ऐसा फॉरेन पार्टिकल आता है जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकता है, तो इसे आइडेंटिफाई करके इसको किल करने का काम इन्हीं के द्वारा किया जाता है। जैसे ही हमारे शरीर के अंदर कोई एंटीजन आया, उसे आइडेंटिफाई करके इसके साथ ये एंटीबॉडीज जुड़कर इसे किल करने का काम करते हैं, यानी कि प्राइमरी डिफेंस सिस्टम के रूप में काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नर्स इज असिस्टिंग अ क्लाइंट विथ डाइवर्टिक्यूलोसिस टू सेलेक्ट एप्रोप्रिएट फूड, विच फूड शुड बी अवॉइडेड। आपके पास एक डाइवर्टिक्यूलोसिस से सफरिंग पेशेंट है। इस पेशेंट पेशेंट के द्वारा कौन सा फूड खाने में अवॉइड करना सबसे सही माना जाएगा, यानी डाइवर्टिक्यूलोसिस वाले पेशेंट को कौन सा फूड आइटम नहीं खाना चाहिए? ब्रैन, फ्रेश पीचेस, कुकुम्बर सैलेड या फिर यीस्ट रोल्स? यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कुकुम्बर सैलेड, यानी कि जो ककड़ी होती है उसका सलाद इस पेशेंट को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ककड़ी के अंदर बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, और जो डाइवर्टिक्यूलोसिस कंडीशन है इसके अंदर सीड वाले फूड्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं, खाने से मना किए जाते हैं। आइए जान लेते हैं डाइवर्टिक्यूलोसिस कंडीशन होती क्या है। ये मान लीजिए किसी क्लाइंट की लार्ज इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। क्लाइंट की इस इंटेस्टाइन के अंदर छोटे छोटे पाउच बन जाएंगे, छोटे छोटे से थैलीनुमा संरचना बन जाएंगी, इन्हें आप डाइवर्टिक्यूला के नाम से जानते हैं। अब क्लाइंट डाइवर्टिक्यूला कंडीशन से सफरिंग है और इसने कोई ऐसा फूड सब्सटेंस खाया जिसके अंदर कोई हार्ड कंटेंट था, सीड जैसी, बीज जैसी कोई स्ट्रक्चर थी, तो ये फूड जब लार्ज इंटेस्टाइन से पास होगा तो ये इन पाउच के अंदर जाकर अटक जाएगा, और धीरे धीरे जब ये कंटेंट यहाँ से बाहर आगे मूव नहीं हो पाएगा तो इसमें सड़न पैदा होने लगेगी और फिर यहाँ पर इन्फेक्शन हो जाएगा। इन्फेक्शन और सड़न के कारण इस जगह पर इन्फ्लामेशन डेवलप होगी और फिर हो सकता है यहाँ पर रप्चर देखने को मिले, पेरिटोनाइटिस कंडीशन हो, और फिर ये जानलेवा इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो सकता है। तो याद रखिएगा, किसी क्लाइंट के अंदर डाइवर्टिक्यूलास के अंदर इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन का होना डाइवर्टिक्यूलाइटिस के नाम से जाना जाता है, और इस कंडीशन के अंदर सीड वाले फूड्स को नहीं खाना चाहिए क्योंकि इससे सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर डिलीवरी द नर्स ऑब्जर्व्स दैट द न्यू बॉर्न्स स्क्रॉटल सैक इज एम्प्टी, दिस कंडीशन इज कॉल्ड। डिलीवरी के बाद बच्चे का असेसमेंट करने पर आप ये पाते हैं कि बच्चे के स्क्रॉटल सैक एम्प्टी हैं, यानी उनमें टेस्टिस मौजूद नहीं है, तो इस कंडीशन को आप किस टर्म द्वारा नोट करेंगे? एन्यूरेसिस, क्रिप्टोचिडिज्म, ऑर्कियोपैक्सी या फिर एपिस्पैडियासिस? इस क्वेश्चन को प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इट इज कॉल्ड क्रिप्टोचिडिज्म। आइए इन सभी कंडीशंस के बारे में, इन सभी ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं। क्रिप्टोचिडिज्म इज व्हेन वन और बोथ टेस्टिकल्स डू नॉट डिसेंड इनटू द स्क्रॉटम व्हाइल द फीटस इज डेवलपिंग। बच्चे का जब गर्भ में विकास हो रहा होता है तो उस समय बच्चे के टेस्टिस शुरुआती स्टेट में उसके एब्डोमेन एरिया में मौजूद रहते हैं, जो कि डिलीवरी के आसपास टेस्टिस में मूव करते हैं। अगर किसी बच्चे में ये टेस्टिस एब्डोमेन एरिया से टेस्टिस में नहीं आ पाते तो ये कंडीशन क्रिप्टोचिडिज्म के नाम से जानी जाती है। और याद रखिएगा,
पीडियाट्रिक के अंदर मोस्ट कॉमन जेनाइटल प्रॉब्लम के रूप में क्रिप्टोचिडिज्म को जाना जाता है। पीडियाट्रिक के अंदर सबसे ज्यादा होने वाली जेनाइटल प्रॉब्लम टेस्टिस का डिसेंट नहीं होना यानी क्रिप्टोचिडिज्म को ही माना जाता है। इस तरह से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट है। क्रिप्टोचिडिज्म कंडीशन को कई बार हम हिडन टेस्टिकल्स या अनडिसेंडेंट टेस्टिकल्स के रूप में जानते हैं। इस कंडीशन के अंदर एक या दोनों टेस्टिस हो सकता है उनका डिसेंट ना हुआ हो। नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर नॉक्चुरनल एन्यूरेसिस टर्म दी गई थी। नॉक्चुरनल एन्यूरेसिस को हम नाइट टाइम इनकॉन्टिनेंस टर्म के रूप में भी जानते हैं। इसे कई बार बेड वेटिंग भी कहा जाता है। अगर किसी बच्चे में टॉयलेट ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है और उसकी उम्र 5 साल से ज़्यादा है और अभी भी वो रात को सोते समय यूरिन पास कर देता है बेड पर ही, तो ये कंडीशन बेड वेटिंग, नाइट टाइम इनकॉन्टिनेंस या नॉक्चुरनल एन्यूरेसिस के नाम से जानी जाती है। एपिस्पैडियासिस के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में आपसे डिस्कस किया था। इसके अंदर पेनिस की यूरिथ्रल ओपनिंग पर्सन के नॉर्मल पोजीशन से हटकर नीचे की तरफ, सॉरी ऊपर की तरफ सिचुएटेड होती है, वेंट्रल सरफेस पर सिचुएटेड होती है। ये कंडीशन एपिस्पैडियासिस के नाम से जानी जाती है। अब जिन बच्चों के अंदर क्रिप्टोचिडिज्म कंडीशन थी यानी जिन बच्चों में स्क्रॉटल सैक के अंदर टेस्टिस डिसेंड डाउन नहीं हो पाए थे, उनमें सर्जरी द्वारा टेस्टिस को एब्डोमेन एरिया से स्क्रॉटल सैक में लेकर आया जाता है और ये जो सर्जरी होती है इसे हम ऑर्कियोपैक्सी के नाम से जानते हैं। ऑर्कियोपैक्सी इज अ सर्जिकल करेक्शन ऑफ कंडीशन क्रिप्टोचिडिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बर्थ वेट ऑफ अ चाइल्ड ट्रिपल्स बाय। इनमें से किस एज पर बच्चे का वजन जन्म के वजन का 3 गुना हो जाता है? 1 साल पर, 6 महीने पर, 1.5 ईयर्स पर या फिर 2 ईयर्स पर? ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। यहां पर याद रखिएगा, अगर किसी न्यूबॉर्न बेबी का जन्म के समय वजन 2.5 केजी है तो ये 5 महीने की उम्र के होने पर जस्ट डबल हो जाएगा यानी कि 5 किलो हो जाएगा। और जब बच्चे की उम्र 1 साल की कंप्लीट हो जाएगी तब बर्थ वेट का 3 गुना वजन हो जाएगा यानी कि 7.5 केजी इसका वजन होगा। तो हम कह सकते हैं कि 1 साल की उम्र होने पर बर्थ वेट ट्रिपल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टी लिम्फोसाइट्स आर इन्वॉल्व्ड इन। टी लिम्फोसाइट इनमें से किस में इन्वॉल्व रहता है? ऑप्शन ए ह्यूमरल और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी में, ऑप्शन बी सेल्यूलर और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में, ऑप्शन सी बोथ ऑफ दीज, ऑप्शन डी दे डू नॉट प्रोड्यूस इम्यूनिटी। टी लिम्फोसाइट्स इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते हैं तो आप इसे तो हटा दीजिए। इसके बाद ऑप्शन सी नहीं सही होगा क्योंकि ऑप्शन ए एंड बी दोनों में से एक सही आंसर है। यस एग्जैक्टली ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। टी लिम्फोसाइट्स जो है ये सेल्यूलर या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होते हैं, इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। आपके शरीर के अंदर एक तो टी लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं और एक बी लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं। ये जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं ये प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होकर एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं और हमें एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाते हैं। तो हमारी बॉडी में 2 प्रकार की इम्यूनिटीज हो गई। अगर टी लिम्फोसाइट के बारे में आपसे पूछा जाए तो ऑप्शन बी में बताया
सेल्यूलर इम्यूनिटी या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी टी लिम्फोसाइट्स द्वारा दी जाती है। और अगर बी लिम्फोसाइट्स के बारे में पूछा जाए तो आप बता सकते हैं बी लिम्फोसाइट्स प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होकर एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं और इसकी वजह से हमें एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी मिलती है। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी को हम ह्यूमोरल इम्यूनिटी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेरिडिटरी हीमोलाइटिक एनीमिया। इनमें से हेरिडिटरी हीमोलाइटिक एनीमिया का उदाहरण कौन सा है? हेरिडिटरी का मतलब आनुवंशिक यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसमिट होने वाला। हीमोलाइटिक का मतलब है ऐसी कंडीशन जिसमें आरबीसी का ब्रेकडाउन हो, और एनीमिया का मतलब है लो एचबी लेवल। ऑप्शंस आर एप्लास्टिक एनीमिया, परनीशियस एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया या फिर थैलेसीमिया। हेरिडिटरी हीमोलाइटिक एनीमिया का एग्जाम्पल ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। याद रखिएगा थैलेसीमिया इज द हेरिडिटरी हीमोलाइटिक एनीमिया। थैलेसीमिया एक हेरिडिटरी हीमोलाइटिक एनीमिया का एग्जाम्पल है। आइए इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को जान लेते हैं। थैलेसीमिया कंडीशन के अंदर उन सेल्स के डीएनए में चेंजेस देखने को मिलते हैं, म्यूटेशन देखने को मिलते हैं जो कि हीमोग्लोबिन का निर्माण करती हैं। हमारी जो रेड ब्लड कार्पसल्स हैं उनके ऊपर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ही हमारी बॉडी में ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट का काम करता है। अगर इस हीमोग्लोबिन को बनाने वाली डीएनए के अंदर म्यूटेशन आ जाएगा तो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन सही नहीं हो पाएगा, और हीमोग्लोबिन की मात्रा अगर कम होगी तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं हो पाएगा। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के अंदर अल्फा और बीटा चेन्स पाई जाती हैं। अगर अल्फा चेन का प्रोडक्शन कम हो जाए तो ये कंडीशन अल्फा थैलेसीमिया कहलाएगी, और अगर बीटा चेन का प्रोडक्शन कम हो जाए तो ये कंडीशन बीटा थैलेसीमिया कहलाएगी। एक बार फिर से समझिएगा, थैलेसीमिया जो है एक हेरिडिटरी एनीमिया कंडीशन है, हेरिडिटरी हीमोलाइटिक एनीमिया कंडीशन है जिसके अंदर हीमोग्लोबिन का सही निर्माण नहीं हो पाता, क्योंकि हीमोग्लोबिन का निर्माण करने वाली जो सेल्स हैं उनके डीएनए में खराबी आ जाती है, म्यूटेशन आ जाता है, और हमारे शरीर में यदि हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स का निर्माण अल्फा चेन और बीटा चेन दो चीजों से मिलकर होता है। अगर हमारी बॉडी में अल्फा चेन का सही प्रोडक्शन नहीं हो पाए तो ये कंडीशन अल्फा थैलेसीमिया कहलाएगी, और अगर बीटा चेन का प्रोडक्शन सही नहीं हो पाए, निर्माण सही नहीं हो पाए तो ये कंडीशन बीटा थैलेसीमिया के नाम से जानी जाएगी। अब हम बात करते हैं कि अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया की सीवियरिटी किस हिसाब से देखी जाती है। किसी भी बच्चे में उसके माता पिता से कितने म्यूटेंट जीन आए हैं, इस चीज की काउंटिंग जो है वो अल्फा थैलेसीमिया की सीवियरिटी को बताती है। जितने ज्यादा म्यूटेड जीन बच्चे में आएंगे ये डिजीज उतना ही ज्यादा सीवियर माना जाएगा। जबकि बीटा थैलेसीमिया कंडीशन के अंदर बीटा चेन का कौन सा पार्ट डिफेक्टेड हुआ है इस चीज पर इसकी सीवियरिटी निर्भर करती है। आइए अब इस क्वेश्चन के ऑप्शन में दिए गए रिमेनिंग सभी टाइप्स के एनीमिया की भी बात कर लें। एप्लास्टिक एनीमिया कंडीशन का मतलब है अगर क्लाइंट की बोन मैरो के अंदर डिफेक्ट आ जाए तो ये कंडीशन एप्लास्टिक एनीमिया कहलाती है। जैसे मान लीजिए ये किसी क्लाइंट की बोन है और इस बोन के अंदर बोन मैरो पाया जाता है, बोन के अंदर की तरफ कुछ सेल्स मौजूद होती हैं
जो कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण करती हैं। इन सभी सेलों को हम बोन मैरो के रूप में जानते हैं। अब मान लीजिए क्लाइंट के अंदर कोई ऐसी कंडीशन हो गई, कोई ऐसी डिजीज कंडीशन हो गई कि इन बोन मैरो सेल्स की जगह पर फैटी सेल्स आकर अपना अपनी जगह बना लेती हैं। फैटी सेल्स आकर इन बोन मैरो की जगह बन जाती हैं, बोन मैरो सेल्स की जगह पर फैटी टिश्यूज आकर ये पूरा स्थान अगर ऑक्यूपाई कर लेगा, तो अब यहाँ पर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा और इस कंडीशन के कारण होने वाले एनीमिया को हम एप्लास्टिक एनीमिया के नाम से जानते हैं। पर्नीशियस एनीमिया को आप विटामिन B12 की कमी से होने वाला एनीमिया कहते हैं और मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया विटामिन B9 की कमी से होता है, या इसे आप फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, विटामिन B9 हमारी बॉडी में आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए इसेंशियल माना जाता है, और अगर आयरन प्रॉपर तरीके से हमें नहीं मिल पाएगा तो आरबीसी का सिंथेसिस और मैचुरेशन भी नहीं हो पाएगा। होपफुली दिस इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग रूममेट्स वुड बी बेस्ट फॉर द क्लाइंट न्यूली एडमिटेड विथ गैस्ट्रिक रिसेक्शन। किसी पेशेंट में यदि गैस्ट्रिक रिसेक्शन का प्रोसीजर हुआ है तो इस पेशेंट के साथ इनमें से किस पेशेंट को शिफ्ट किया जा सकता है, रूममेट बनाया जा सकता है? क्लाइंट विथ क्रोहांस डिजीज, निमोनियास पेशेंट, गैस्ट्राइटिस पेशेंट, फ्लेबाइटिस पेशेंट। पेशेंट में गैस्ट्रिक रिसेक्शन हुआ है। आइए पहले जान लेते हैं कि गैस्ट्रिक रिसेक्शन होता क्या है। गैस्ट्रिक रिसेक्शन का सिंपल मतलब है पेशेंट के स्टमक में या तो कोई कैंसर हो जाए या फिर स्टमक का पेप्टिक अल्सर डिजीज हो जाए जो कि मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहा है, या फिर पर्सन में वेट कम करने के लिए बेरियाटिक प्रोसीजर्स किए जाने वाले हो। तो इन सभी उद्देश्य से अगर स्टमक का एक पार्ट रिमूव कर दिया जाए, सर्जरी द्वारा स्टमक का कुछ हिस्सा काट कर निकाल दिया जाए, तो इस प्रोसीजर को हम गैस्ट्रिक रिसेक्शन कहते हैं और इसे गैस्ट्रेक्टॉमी सर्जरी के नाम से जाना जाता है। किसी भी पेशेंट में स्टमक का एक हिस्सा सर्जरी द्वारा काट कर निकाल देना गैस्ट्रिक रिसेक्शन या गैस्ट्रेक्टॉमी के नाम से जाना जाता है, और ये सर्जरी स्टमक के कैंसर, पेप्टिक अल्सर या बैरियाटिक प्रोसीजर्स के ट्रीटमेंट के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। इस सर्जरी के बाद में इस चीज का विशेष ख्याल रखा जाता है कि पेशेंट में इनफैक्ट पेशेंट को इन्फेक्शन से जितना हो सके बचाया जाए, क्योंकि गैस्ट्रेक्टॉमी प्रोसीजर में जो हीलिंग टाइम होता है, रिकवरी टाइम होता है, वो बहुत लेंदी होता है, यानी पेशेंट को रिकवर होने में बहुत ज्यादा समय लगता है। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि गैस्ट्रेक्टॉमी वाले पेशेंट के साथ किसे रूममेट बनाया जा सकता है। देखिएगा, अगर आप इस पेशेंट को क्रोहांस डिजीज वाले पेशेंट के साथ शिफ्ट करेंगे तो क्रोहांस डिजीज के अंदर पेशेंट बार बार स्टूल पास करता है, यानी उसे डायरिया रहता है, तो ऐसे पर्सन के पास रहने से उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, तो हम इसे इसके साथ शिफ्ट नहीं कर सकते। अगर आप पेशेंट को निमोनिया वाले पेशेंट के साथ शिफ्ट करते हैं तो निमोनिया वाला पेशेंट बहुत ज्यादा कफिंग करेगा और इससे पेशेंट डिस्टर्ब होगा और उसमें डिस्कम्फर्ट जनरेट होगा और हीलिंग टाइम और बढ़ सकता है, इसलिए हम इसे इस पेशेंट के साथ भी शिफ्ट नहीं कर सकते। गैस्ट्राइटिस वाला पेशेंट भी डायरिया और वॉमिटिंग शो करता है और यहाँ भी पेशेंट में इन्फेक्शन ट्रांसमिशन का खतरा है, इसलिए हम गैस्ट्राइटिस वाले पेशेंट के साथ भी इसे शिफ्ट नहीं करेंगे। फाइनली हमारे पास पेशेंट बचता है फ्लेबाइटिस का, जो कि ऑप्शन डी में है। ये पेशेंट सबसे सेफ है क्योंकि फ्लेबाइटिस कंडीशन ब्लड वेसल की इन्फ्लामेशन को कहा जाता है और ये एक इन्फेक्शियस कंडीशन नहीं है। हम इजीली इस पेशेंट के साथ गैस्ट्रिक रिसेक्शन वाले पेशेंट को शिफ्ट कर सकते हैं। फ्लेबाइटिस क्या है? फ्लेबाइटिस इज अ इन्फ्लामेशन ऑफ ब्लड वेसल।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्लाइंट विथ ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस एंड एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम कन्फाइंस दैट ही इज होमोसेक्सुअल एंड हिज एम्प्लॉयर्स डज नॉट नो हिज एचआईवी स्टेटस विच रिस्पॉन्स बाय द नर्स इज बेस्ट। हॉस्पिटल में एचआईवी एड्स का एक पेशेंट आपको बताता है कि वो होमोसेक्सुअल है और एचआईवी पॉजिटिव है, इसके बारे में उसके एम्प्लॉयज को जानकारी नहीं है। ऐसा बताने पर एज अ नर्स आपके द्वारा इस पेशेंट को क्या रिस्पॉन्स दिया जाएगा? ऑप्शंस आर वुड यू लाइक मी टू हेल्प यू टू टेल देम, आप उस पेशेंट से पूछेंगे कि क्या आप चाहते हैं कि इस बात को मैं आपके एम्प्लॉयज को बताऊं। ऑप्शन टू द इंफॉर्मेशन यू कन्फाइंड मी इज कॉन्फिडेंशियल, आपने मुझे जो जानकारी बताई है इसे मैं कॉन्फिडेंशियल रखूंगी, किसी के साथ शेयर नहीं करूंगी। ऑप्शन थ्री आई मस्ट शेयर दिस इंफॉर्मेशन विथ योर फैमिली, मैं इस जानकारी को आपके परिवार के साथ शेयर करूंगी। ऑप्शन फोर आई मस्ट शेयर दिस इंफॉर्मेशन विथ योर एम्प्लॉयर, मैं इस जानकारी को आपके सभी एम्प्लॉयज को बता दूंगी। पेशेंट एचआईवी पॉजिटिव है, होमोसेक्सुअल है, ऐसा उसके एम्प्लॉयज नहीं जानते हैं। ये बात अगर पेशेंट आपको बताता है तो आपके द्वारा उसे ये कहा जाएगा कि आपने मुझे जो इंफॉर्मेशन दी है वो कॉन्फिडेंशियल है और इस इंफॉर्मेशन को मैं किसी के भी साथ शेयर नहीं करूंगी, आप हम पर ट्रस्ट रखिएगा। ये एज अ नर्स आपका स्टेटमेंट रहेगा जो कि सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्लाइंट विथ सीवियर मेजर डिप्रेशन स्टेट्स माई हार्ट हैज स्टॉप्ड एंड माई ब्लड इज ब्लैक ऐश, द नर्स इंटरप्रीट्स दिस स्टेटमेंट टू बी एविडेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। एक पेशेंट जो कि डिप्रेशन में है आपसे कहता है कि मेरे हार्ट ने काम करना बंद कर दिया है और जो मेरा ब्लड है वो ब्लैक ऐश में कन्वर्ट हो गया है, राख बन चुका है। ऐसा स्टेटमेंट क्लाइंट के देने पर आप उसमें कौन सी कंडीशन के होने का अनुमान लगाएंगे? हेल्यूसिनेशन, इल्यूशन, डेल्यूशन या इनमें से कोई नहीं? देखिएगा यहाँ पर नन ऑफ द अबव ऑप्शन नहीं होगा। क्लाइंट को ये फिक्स्ड बिलीव हो चुका है कि उसके हार्ट ने काम करना बंद कर दिया है और उसका ब्लड जो है ब्लैक ऐश में कन्वर्ट हो गया है, काली राख बन चुका है, जबकि प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर क्लाइंट के हार्ट ने काम करना बंद कर दिया होता तो क्लाइंट की डेथ हो जाती, बिना ब्लड के क्लाइंट सर्वाइव नहीं कर सकता। आप कितने भी प्रूफ दिखाएं, कितनी भी ईसीजी दिखाएं या कितना भी एमआरआई सीटी स्कैन करवा दें या ब्लड निकाल के फिर दिखा दें, उसे इस बात पर विश्वास नहीं होगा क्योंकि उसने माइंड में इस चीज को फिक्स कर लिया है कि उसके साथ ऐसा हो चुका है, उसके हार्ट ने काम करना बंद कर दिया है। और इस तरह का बिलीव जब किसी पर्सन को हो जाता है तो हम इसे डेल्यूशन के नाम से जानते हैं। डेल्यूशन इज अ अनशेकेबल फिक्स्ड फॉल्स बिलीव, यानी ऐसा कोई विश्वास जिसे आप कुछ भी कहकर बदल नहीं सकते और ये झूठा होता है, इसे आप डेल्यूशन के नाम से जानते हैं। हेल्यूसिनेशन वह कंडीशन होती है जिसके अंदर बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के आपको वो चीज परसीव होती है, जैसे बिना किसी की प्रेजेंस के आपको वो दिखाई देना, बिना किसी आवाज के वो सुनाई देना, बिना किसी टेस्ट के उसका टेस्ट सेंसेशन होना, ये सभी हेल्यूसिनेशन है। इल्यूशन की बात की जाए तो इसमें जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई तो प्रेजेंट होता है लेकिन हम उसे रॉन्गली परसीव करते हैं, यानी कि इस अंधेरे में आप कहीं जा रहे थे, आपने रास्ते में पड़ी लकड़ी को सांप समझ लिया, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ इनर स्क्वायर इज लाइटर देन आउटर सर्कल एंड एक्सपायरी डेट हैज बीन पास्ड देन अ वैक्सीन कैन इट बी यूज्ड और नॉट। अगर किसी वैक्सीन में वैक्सीन वाइल मॉनिटर लगा है और उसमें जो इनर स्क्वायर है वो आउटर सर्कल की तुलना में लाइट कलर का है और इस वैक्सीन की जो एक्सपायरी डेट है वो पास हो चुकी है, यानी डेट एक्सपायर, ड्रग एक्सपायर हो चुकी है, तो क्या
इस मेडिसिन को, इस वैक्सीन को आप इस्तेमाल करेंगे या नहीं? ऑप्शन ए कहता है हम इसे यूज नहीं करेंगे और बी कहता है हम इसे यूज कर सकते हैं। याद रखिएगा, वैक्सीन वाइल मॉनिटर के अंदर तो वैक्सीन ठीक बता रही है, लेकिन एक्सपायरी डेट निकल चुकी है, तो क्या आप इसे यूज करेंगे? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। हमेशा याद रखिएगा, अगर किसी मेडिसिन की एक्सपायरी डेट आ चुकी है, एक्सपायरी डेट पास हो चुकी है, निकल चुकी है, मेडिसिन या वैक्सीन एक्सपायर हो चुका है, तो किसी भी सूरत में आप उसे यूज नहीं करेंगे। नेवर यूज अ मेडिसिन और वैक्सीन इफ इट इज एक्सपायर्ड। आइए अब बात करते हैं वैक्सीन वाइल मॉनिटर की। आपने पोलियो प्रोग्राम के अंदर ड्यूटी करी होगी और उस दौरान आपने बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाया होगा, पोलियो वैक्सीन पिलाया होगा। जो पोलियो का वाइल होता है उसके ऊपर एक स्टिकर लगा होता है, इसे हम वैक्सीन वाइल मॉनिटर कहते हैं। और इस वैक्सीन वाइल मॉनिटर के मदद से हम ये चीज निश्चित कर पाते हैं कि ये वैक्सीन अब उपयोग योग्य है या नहीं, क्योंकि जो पोलियो का वैक्सीन होता है वो टेम्परेचर के लिए काफी ज्यादा सेंसिटिव माना जाता है। इसे अगर थोड़ा भी हीट एक्सपोजर मिले तो ये खराब हो सकता है। अगर वैक्सीन के ऊपर लगे वैक्सीन वाइल मॉनिटर में आपको जो अपीरियंस है कुछ इस प्रकार की दिखाई दे कि आउटर सर्कल तो डार्क है लेकिन इनर स्क्वायर अभी लाइट कलर का है, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। आउटर सर्कल डार्क है लेकिन इनर स्क्वायर का कलर हल्का है बाहर के मुकाबले, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। और अगर इनर स्क्वायर और आउटर सर्कल दोनों एक ही कलर के हो जाएं तो आप इसे यूज नहीं करेंगे। और अगर इनर स्क्वायर आउटर सर्कल की तुलना में ज्यादा डार्क हो चुका है तो भी आप इसे यूज नहीं करेंगे। याद रखिएगा, जब तक अंदर का स्क्वायर का कलर हल्का है, सफेद है, बाहर के मुकाबले धीमा है, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। जैसे ही दोनों का कलर इक्वल होता है तो आप इसे यूज नहीं करेंगे। अंदर वाला कलर डार्क हो जाए तो बिल्कुल भी आप इसे यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों कलर्स का मतलब है कि वैक्सीन खराब हो चुका है, डिस्कार्ड करने वाला है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह के रेगुलर वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक।